जितनी वोटों से हिंदुस्तान में कोई जीता नहीं जितनी सर राहुल गांधी जीता। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। आज हम पहुंचे हैं शामली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत है भाजू। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें यह किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं जो योगी सरकार का लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है उसके बारे में भी लोगों की राय हम जानने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं। जी भाई साहब, क्या करोगे भाई जी 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं? 2022 के खिलाफ वोट देंगे, बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, साफ है बात मेरी तो। ऐसा क्या हो गया भाई जी? बस जी, ना तो हमने कभी वोट दी बीजेपी को, ना दे रहा कभी नहीं देने के, ना कभी दिए। पहले भी नहीं वोट, पहले भी वोट नहीं दी मैं तो, दी नहीं अपनी, मैं नहीं वोट दी कभी भी बीजेपी के खिलाफ वोट दी हमेशा। आपके मैं तो ये बैठे मेरे से बड़े बैठे, मैं तो उन्हें भी कही मगर बीजेपी को वोट ना दो, पर ये नहीं मानने बीजेपी को वोट देंगे। हमने तो कभी बीजेपी को वोट दी ना देर, बस नाराज हो सरकार से, मतलब धुरते ही नाराज हो, धुरते ही नाराज हो। किसके पक्ष में वोट किया था पिछले चुनाव में? आरएलडी के पक्ष में वोट दिया थी मैं तो। अच्छा, पहले से ही नाराज है? नाराज है पहले से ही जी। ताऊ जी, आपने किसको वोट दी थी 2017-19 में? बीजेपी को दी थी भाई। इस बार क्या करोगे? इस बार तो भाई 8-8 महीने तो हो लिए वहाँ बैठे, बाबू वही करेंगे जो कुछ करेंगे। हम तो यहाँ तरह सद भिजावे और भाजी इमरजेंसी आ जा फिर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे, रेत रात लगा उसको। और भाई वोट कते बात ऐसी है जी, जब सारा समाज एकजुट है तो फिर बीजेपी वाले जो कुछ हैं तो ही नभी समझा लेंगे। तो समाज के वजह से हो या कोई सरकार के कार्यों से खुश नहीं हो? सरकार तो भाई घंटे के रखे, आज लो दिसंबर का व्याज लो पूरा, तो सरकार तो कहीं यहाँ है ही नहीं। सरकार दावा कर रही है कि जो पिछली सरकार थी। नहीं, सरकार कहाँ है नहीं, वा? कौन सी योगी सरकार है जब सरकार है ही नहीं? हाँ नहीं, सरकार होती भाई मैनू गाले थोड़ा ही मांगने पड़े थे। नहीं, योगी सरकार दावा कर रही है कि जो पिछली सरकारों में भुगतान की समस्या थी उसको हमने कम किया है और इस बार पिछली सरकारों से अधिक भुगतान हुआ है। कहाँ हुआ तो देख तो लो, दिसंबर का हुआ कितने, हमारे गांव का हिसाब लगा लो तुम, कितना गन्ना है, कितना पैसा इन्होंने दिया और कितना रह रहा, तो रिकॉर्ड है कौन सा कुछ। किसान सम्मान निधि भी तो मिल रही था जी। अरे वो काट दे दिया वो इतना लंबा फर रहा उसने दी था, तो एक का ही नहीं काम चल रहा, और डंगा रह गया ढेर। बिजली कितनी महंगी कर दी। आप क्या करोगे, किसको वोट देता पहले? हम पहले तो ये दे के बकाए मान गई, बस मैंने को दी नहीं थी सा बीजेपी को, और आगे देने गई नहीं, आगे तो कोई बीजेपी को आ गया बस देखेंगे, बस लठोरा ही देखा लठोरा था। पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इस बार ऐसी क्या नाराजगी है? नाराजगी बताओ, आज लोग पेमेंट नहीं दे रहे, नाराजगी थोड़ी यार उनकी नहीं सुनवाई है भाई। तो गन्ना भुगतान समस्या है आपकी? सारी समस्या ही है, सिलेंडर है वे कहना कमीनों को देगा उन्हें दिया लोगों को है, और वो ठीक क्या सड़क 900 रुपया कर रखा, बढ़ती महंगाई। हाँ महंगाई भी है सारी, और ये कानून इतना उल्टन ले इसके खिलाफ रहेंगे। अगर सरकार ने जैसा आप कह रहे अगर कृषि कानून वापस ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं फिर भी नहीं देने गए, तो नहीं सोचेंगे, नहीं दे ही नहीं जाए, सोचना तो की है देनी नहीं। जी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी ताऊ जी, किसको वोट दिया था ताऊ जी 2014-17-19? भाई एक बार बीजेपी को वोट दिया, इसे ही देगा पछता रहे। क्या दिक्कत होगी ताऊ जी? सारी दिक्कत ही है, जान तो मारने को नहीं हो रहेगा इन लोग किसानों को। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं ताऊ जी? इस सम्मान निधि वो ले जाओ, हमारे तो बिल माफ कर दो ये कम से, और खाते पर घटा दो, यही बच रहे हमें तो। स्तर पर ले दो बिल जी, पहला स्तर पर बिल ले दो और हम वोट दे देंगे, उन्हें तो हम मिटा दिए। एक मंथली का हिसाब है, घर का 2-2.5-2.5 हजार रुपए का बिल जा रहा, इसे वोट दे देंगे हम। अखिलेश यादव जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एक वादा किया है कि 300 यूनिट हर परिवार को बिजली फ्री देंगे अगर सरकार आती है। सरकार आने के बाद ना पहले करवावे। नहीं अखिलेश यादव समाजवादी ये पता, वो भी झूठ बोल दे जितने बोल गए, इन्होंने तो झूठ बोल बोल ही कर। तो किसके साथ जाओगे ताऊ जी? अपने वाले जाओगे
और उसके जयंत की एल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन है। गठबंधन होगा जी, भी देखेंगे उसका भी, उसे भी देख लेंगे, गठबंधन में चले जाओगे जी। मारा है परिसर में नहीं जाना जी, जी मारा आदमी है वहाँ, हम उसके साथ ही चले जाएंगे, जयंत की गैल रहेंगे। वो तो पहले भी साथ ही थे, मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए जी सिंह और बागपत से जयंत चौधरी हार गए। बेईमान ने हरा दिए, बेईमान ना करेगा, हाँ बेईमान ना करेगा, वहाँ से वोट तो थी उसकी और रड़ा दी सारी बिचारेगी अजीत की। तो इस बार आरएलडी के साथ रहोगे आप? हाँ हम तो इसकी कह लेंगे लोक दल में। अगर जैसे आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात चल रही है, हाँ। सामली आपकी विधानसभा सीट है, अगर यहाँ से आरएलडी के गठबंधन से समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार आ गया फिर क्या करोगे? सही दे देंगे जी, बहुत उससे कामयाबी मिलेगी हमें, बस सीट तो मिश्रित होकर में हमारे काम आवेगी, हमारा वो बिल माफ होंगे जी। तू 300 यूनिट सब बता रहा फिर हो जाएंगी है नहीं, लालच बस तो बस हर कोई है, और यहाँ से दिवाड़ा काट रख क्या भाई, पूर्ति नहीं होती कतई भी, ऐसा है। पिछली बार किसको वोट देता था जी? अरे भाजपा में ही तो फूक गए पहले, हाँ इन तो हम बिरान कर दिए। 2019 में किसको वोट दिया था? मोदी का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, और बता रहा था दी थी। अच्छा, 17 में भी भाजपा को दिए थे। हाँ दोनों बड़ी सही थी, पर भाई पश्चाताप हुआ, इतनी देर हुई इसे देगा बस रोवे मूड देते। तो ताऊ जी तो काफी नाराज हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप बताओ ताऊ जी आप क्या? भाई लोकदल को वोट देंगे हम तो, गठबंधन हो गया जी उसे ही देंगे, इसके खिलाफ वोट देंगे। ऐसी क्या नाराजगी है? नाराजगी तो सारी है, दुनिया भर के तो बिजार फिरे सर, तू वहाँ फिरे, गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ा जी, गेहूँ की खरीद नहीं हुई, गन्ना मंत्री तो आपके जिले के ही हैं। हाँ हमारे जिले के है, उसका ही नहीं पेट भरता, हमें तो कहते दगाओ जी, उसका ही पेट नहीं भर रहा, बीजेपी का ही तो वो भी भाई, बीजेपी को वोट नहीं देनी। अच्छा राष्ट्रीय लोकदल को आप वोट देंगे, हाँ। तो किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे, क्या उम्मीद आपको जयंत चौधरी से है? उनसे तो सारी उम्मीद है, पहले रहे वे सरकार में, सारे उम्मीद लगवा दी उन्होंने, हाँ चौधरी अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने, और ये भी कुछ करेगा तो उम्मीद है आपको? उम्मीद है, चौधरी भी कुछ करेंगे, उम्मीद है, उम्मीद है भाई। ताऊ जी आप बताओ, जयंत वो जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसका कितना प्रभाव यहाँ पर है? बहुत ज्यादा है, मान ले 80% है। जो कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा है उसका प्रभाव है 80%। ये जितने लोग हैं पहले बीजेपी में ही थे, कुछ उसके प्रभाव था और कुछ इनकी गड़बड़ता है, ये सब जो है नई टूट फूट होगी और इन्हें तो दी नहीं जाने की। 5 तारीख को महापंचायत है आपके बराबर के जनपद में मुजफ्फरनगर में, हाँ पूरा जो हाँ सब वही पाओगे, सब जाएंगे। पहले कहीं ना कहीं आरएलडी और ताऊ जी आप बताओ, पहले कहीं ना कहीं आरएलडी में और किसान यूनियन में भी कहीं ना कहीं जो विचारधारा मिलती नहीं थी, नहीं कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा पहले से ही साथ हैं? हाँ पहले तो साथ है, कभी नहीं हुआ ऐसा, ये तो झूठी अफवाह चला हुए थे कुछ लोग। अच्छा दोनों एक ही हैं? हाँ। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे जी। पिछली बार किसको वोट दिया था जी? हमने तो लोकदल को दिया, दूर लोकदल को ही देना। पहले से ही आप लोकदल के साथ हम तो पक्के हैं जी। ताऊ जी आप बताओ आपने किसको दिया था वोट? भाई पहले तो बीजेपी को दिया था जी, मोदी ने भका कर ले लिया वोट, इब की बार नहीं दे। इस बार क्या करोगे? इस बार तो आरएलडी को वोट इसे देंगे लोकदल को। ऐसी क्या उम्मीद है राष्ट्रीय लोकदल से? जो भाई अग्गे आने वाले समय में कुछ न कुछ तो करेंगे, वे एक तो देख लिया बड़े बड़े आदमी नु कह के देख भाई किसी को वोट दे दियो पर बीजेपी को ना दियो, इन लोगों ने भका के वोट ले लिया और बस वो तो आपके सामने ये जो कुछ हो रहा, तेल देखो कहाँ जा लिया, गैस देखो छोटे न किसी पर। किसान सम्मान निधि मिल रही है ताऊ जी, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो गया। हाँ सुन ये 2000 रुपये तो जो वापसी और भी ले लेने और ये पीछा छोड़ दे, जिब भी काश कार को फायदा है।
राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर तो यहाँ सारे खाली पड़े हैं मंदिर, बता ये गांव में खाली पड़े जी। हाँ हाँ जी राम मंदिर जी। ताऊ जी आपने किसको वोट दिया था? भाई हम तो दुर्गा और रालोद गए हैं, उसके ही रहेंगे। अच्छा पहले से ही यार आरएलडी के साथ? हाँ उसी के साथ है, उसी के साथ रहे हैं। जी आपने आप भी आरएलडी के साथ ही थे? हाँ जी, नहीं बका का ले लिए वोट उन्होंने। अच्छा भाजपा के साथ थे? भाजपा के साथ नहीं, बकाए में आ गए, इनके चक्कर में आ गए। अब यूं देखो गन्ने के मंच पर खड़े होके ये नु कहते 14 दिन का गन्ने का भुगतान करेंगे, और किसान के साथ इससे भद्दा मजाक क्या होगा कि थाना भवन का गन्ना मंत्री और थाना भवन का मिल का पेमेंट नहीं, ये हिसाब दे दे ऑल ओवर यूपी का, हमने पेमेंट ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया, क्या ये मंत्री को या थाना भवन मिल का पेमेंट नहीं दिखता, तो हम इसको कभी वोट नहीं देंगे। अच्छा ताऊ जी सरकार कह रही है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए? नहीं नहीं कैसे हो जाएगी दोगुनी, कौन सा फार्मूला इनके पास दोगुनी का? फ्री गैस सिलेंडर बांट दिए, 850 रुपया सिलेंडर हो गया, कौन सा फार्मूला आय दोगुनी हो जाएगी? ये 2000 सम्मान निधि का देगा, 10,000 रुपये उन्होंने वापसी उसमें बिल के उस रूप में ले लिए, कौन सा फार्मूला है दुगनी करने का? तो सरकार से नाराज हो? बिल्कुल पक्के नाराज है, ये कभी वोट नहीं देने किसी। इस बार किसको वोट दोगे? अब की बार लोकदल या गठबंधन को वोट दें, कोई भी आए। अगर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आ गया गठबंधन से फिर क्या? हाँ उसे देंगे, गठबंधन वाले को देंगे। 2019 में तो दिए नहीं गठबंधन? अजी नहीं, वो इन्होंने भका लिया। हम ऑनलाइन करेंगे, सब ऑनलाइन करेंगे, पूरा इंडिया डिजिटल इंडिया कह रहे हैं ये, हमारा गन्ना पेमेंट डिजिटल कर दो, पर्ची ऑनलाइन कर दी उन्होंने, गन्ना पेमेंट भी ऑनलाइन कर दो, सारा इंडिया डिजिटल बना रहे हैं। आप गन्ना भुगतान की समस्या की बात करें तो पिछली सरकारों में भी आंदोलन हुए, महेंद्र सिंह टिकैत भी आंदोलन करते थे गन्ना भुगतान के लिए। हाँ गन्ना उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने 4 साल हो लिए, एक नया नहीं बढ़ाया, एक नया भी। अगर गन्ना भुगतान के गन्ने मूल्य जो वृद्धि से ही अगर होता है तो मायावती ने 80 रुपए बढ़ाए, आपने उसको भी वोट नहीं दिए थे? हाँ नहीं, वो फर्क मारा जब हम लोकदल के उसमें चक्कर में थे, मायावती को नहीं दी थी वोट, अभी इन्होंने बका लिए, इनको वोट दे दी, मगर सब कुछ ठीक ठाक करेंगे और बाकी करा, पर किसान के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। बाकी क्या किया बाकी बताओ? बाकी जैसे इन्होंने कहे पर रोड बना दिया, हमने नू कर दिया, गुंडागर्दी का भी तो खात्मा हो गया। नहीं गुंडागर्दी का अखिलेश ने चलाई थी 100 नंबर रोड बनाई थी हमारी, जो हमारी पश्चिमी यूपी में बनाई, शुरुआत अखिलेश की थी। गुंडागर्दी तो जब सुनो, एक वो भजनी कहता है ताई लूट लिया तो सिगरेट पीती जब, अब क्यों भाग रही? जब किसान की जेब में पैसा ही नहीं, हमें गुंडागर्दी लूट का क्या डर है जब किसान की जेब में पैसा नहीं है? तो पहले पैसा होता था, पहले हमारी बचत थी कुछ, अब क्या बचेगा? 100 रुपए पेट्रोल था, 100 रुपए पेट्रोल है जी। अब 100 रुपए पेट्रोल है, जब पिछले कोरोना पीरियड में $35 पर बैरल तेल बिक गया, उसका लाभ पब्लिक को दिया गया उन्होंने। चलो आपने ये कोरोना काल का जिक्र किया है, कोरोना काल में सरकार के कार्यों से कितने खुश हो? बिल्कुल भी खुश नहीं, सारा ऑक्सीजन की कमी से दुनिया मरी है, नुके एक भी नहीं मेरा। सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, और अगर कोई दूसरी सरकार होती तो वो ऐसी व्यवस्था नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो जब उन्होंने राहुल ने आगाह करा था 2 महीने पहले कोरोना से, जब पश्चिमी यूपी उसमें आया देशों में, और इन्होंने हवा मिचाया के लिए हमने वैक्सीन तैयार कर दी, और करीबी अब हमने 70 देशों में वैक्सीन भेज दी, और 84% वैक्सीन बेच ली, यहाँ पब्लिक मरवा दी। तो वैक्सीन तो लग रही है निशुल्क? नहीं कहीं भी नहीं लग रही, कहाँ है बताओ, यहाँ किसी देहात में कहाँ वैक्सीन है? कल ही सेकंड डोज का था, यहाँ पूरे एरिया में सोटे था वैक्सीन, कहीं भी वैक्सीन नहीं थी यहाँ। तो ताऊ जी तो काफी नाराज हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी भाई साहब आप बताओ आप क्या करोगे? हम तो ऐसे ही देंगे भाजपा को, नहीं अपने वाले को, अजीत को, चौधरी अजीत सिंह, राष्ट्रीय लोकदल को। पहले किसको वोट दिया था? पहले बीजेपी को दिया था। किन मुद्दों को लेकर किया था पहले बीजेपी के पक्ष में वोट? बकाया ऐसा कौन सा मतलब वादा था जो उन्होंने किया था और आप उसके पक्ष में चले गए? ये तो यही था एक बार गन्ना का भुगतान टाइम पर कर देंगे, सारा काम सही करेंगे, अकरा कुछ है नहीं। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करेंगे, 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, ये भी दंगा प्रभावित इन्होंने ही करवाए थे, भाजपा वालों ने, भाजपा वालों ने नहीं करवाए थे दंगे? सरकार तो समाजवादी पार्टी की थी, दंगे तो इन्होंने ही करवाए थे जी, भी तो ये इसमें जीत के थे जी, भी तो हम भी इनकी वीडियो बोले भाई इन्होंने बढ़िया काम करा वोट दे दो। राकेश टिकैत जी आंदोलन कर रहे हैं, उसका कितना प्रभाव? बहुत प्रभाव है,
2022 में देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा जी। ताऊ जी आप बताओ क्या करोगे ताऊ जी इस बार? इनके बाद तो जयंत चौधरी को कामयाब करेंगे। जयंत चौधरी को? हाँ। राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहोगे? पहले किसको वोट दिया था? पहले से दे दी थी बकाये में आगे बीजेपी को। अच्छा, इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ? हाँ। ताऊ जी आपने क्या किया था, किसको वोट दिए थे पहले? बीजेपी को वोट दिया था जी। इस बार लोकदल को देंगे जी। ऐसा क्यों ताऊ जी? भाई हमारी पार्टी जो है हम तो भूल भाल के तो चले गए होंगे, तो पहले भी थी। गलती होगी मारे तो वो एक गलती पछता रहे, हम तो एक गलती करके। कौन सी गलती? जो इन्हें बकाया में आके वोट दी, ये हमारी गलती तो थी, हम समझे नहीं नन्हे कर वालों को। ये तो भाई किसान के प्रति ये तो प्रतिकूल रहे। देखो ताऊ जी कह रहे हैं कि भाई किसानों की आय भी दोगुनी कर रहे, किसानों के लिए काम कर रहे, और जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनसे भी लगभग 12 दौर की वार्ता हुई। ये तो बाबूजी मेरी तो भाई फसल होनी भी अटकी इनके आय पे, हमें तो दुख हो रहा है। नहीं मारे तो कीड़े लग रहे सब, और उनका आगे खूब बढ़िया फसल बनी थी, इनका तो इन्होंने तो बब काट दिए बिल्कुल। भाजपा सरकार यह तो ज्यादा गंदी आई। हम तो अपने की लोक दल वाले की रात खड़ खुड़ की बोरी लिया हुए थे, 2 रुपये बच जाते इस साड़े का, वो भी बहुत नहीं रहा, इन्होंने तो बिल्कुल मिटा दिए। कुछ भी हरियाणा लोग को खरीद कर ले आए जी भाई। एक तो बिजार जी, पहले चोरों से डर लगा था, बिजारों से डर लगे, कहीं आदमी मार लिया इलाके में। गुंडागर्दी खत्म होगी, मतलब आप कह रहे हो योगी सरकार में गुंडागर्दी का तो? हाँ, योगी की सरकार में कुछ गिरावट आई गुंडे की। अरे यार थोड़ी गुंडागर्दी हो रही है, ये बिजार है, चोरू तो भी गुंडे है। तो रात को बाहर जा पानी चला, उनका आगे हाथ पांच जोड़ का पंडा तो छुटा लेते, जो कुछ जेब में था ले जाओ भाई, इनके आगे तो यू भी नहीं है, कुछ जेब में तो काट के दे देंगे ना, बच जाएंगे जी। कुछ जी ताऊ जी आप भी बताओ। हाँ जी, आप अलग बैठे इधर। हाँ जी, क्या करोगे, किसको वोट दिया था आप बताओ? देखो जी हम तो वोटर कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के साथ हो आप? हाँ जी, और यदि मतलब जो है कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर दिखाई देगा तो फिर इनकी साथ आरएलडी की साथ हैं, मतलब जो भी कोई उसे बीजेपी को हरा होगा उसे वोट देंगे। नहीं, पंकज मलिक कांग्रेस का जिक्र कर रहा हूं, पंकज मलिक के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो? कांग्रेस के साथ में है जी। देखो ताऊ जी पहले वोटर मिले, आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हो है जी, अजीब का तम देखियो, असली है जी, देखो तो सही। कांग्रेस का क्या कार्य अच्छा लगा है जी? कांग्रेस का क्या कार्य? यह सब कांग्रेस की देन है, जो मतलब जो है इतनी तरीके हिंदुस्तान कर गया, इन्होंने क्या करा? ये कह रहे 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है क्या? 70 उनका ही करा हुआ है सब कुछ, उल्टा बत्ती कुछ करा तो कांग्रेस को ऐसे क्यों नकार दिया जनता ने? उत्तर प्रदेश में साथ विधायक हैं गठबंधन से, वो भी साथ नहीं। इबका देखो तुम स्थिति कांग्रेस की लोकसभा में, खुद राहुल गांधी हार के चुनाव अजी नहीं, अब तक कांग्रेस के पास में यूपी में नेता नहीं था, इब तो दिग्गज नेता रही प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी तो इलेक्शन देखो अपनी बार। अच्छा, राहुल गांधी चुनाव हार के राहुल गांधी दिग्गज नेता नहीं क्या? राहुल गांधी राहुल गांधी उसके लिए सारा हिंदुस्तान एक है, कहीं से भी इलेक्शन लड़ सके। इतनी दो सीटों से क्यों लड़ा था जी? इतनी वोटों से हिंदुस्तान में कोई जीतता नहीं जितनी सर राहुल गांधी जीता। ताऊ जी अमेठी से चुनाव लड़ते थे, परंपरागत सीट है, हार जीत होती रहे, हमारी इंदिरा गांधी सार की हार की थी, इनके कारनामे ऐसे थे, मतलब वो तो मतलब जो है जब किसी आदमी को हराना चाहो तो उसे हरा ही ले। जनता जनार्दन है। लेकिन लोकसभा में भी हालत खराब है, आप देख ही रहे हो 2019 अब इनके कारनामे सामने आ गए, इन्हें जनता पहचान गई है क्या है? अब देखो तुम स्थिति पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? क्या पश्चिम बंगाल में जैसे दिल्ली में वो कांग्रेस कहाँ से कहाँ आ गई? नहीं, जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में भी कांग्रेस कहाँ से कहाँ आ गई? दिल्ली में नहीं खुला। नहीं, जो दिल्ली में खाता खोलती वक्त फिर वो बीजेपी ना जीतती क्या वहाँ? नहीं तो मतलब बीजेपी के डर मकसद से मकसद बीजेपी हराना है, नहीं है ताऊ जी? हाँ, इन्हें बिजली देश की नंबर 2 पार्टी कांग्रेस। अजी सुन तो लो, हमारी तो सुन लो जी, इन्हें बिजली और यह महंगाई इनका धराशाई कर देगी, इतनी महंगाई और बिजली पे इन्होंने अत्याचार कर रखा लोग। 200 रुपये में वो महीना थे और वे भी 2-2.5 हज़ार रुपये कांग्रेस के राज में,
साल भर में जिसने जो कुछ दिया दे दिया, आधे तो फ्री में जड़ाव थे। और पहले तो, लाइट भी तो नहीं आती थी जब क्या के शासन में अखिलेश के राज, अब सोलारी अखिलेश के राज में आखिरी उसमें उन्होंने प्रबंध नहीं प्रबंध कराया, 14 घंटे 14-15 घंटे बिजली शुरू हो गई थी। के काम को अपना काम बता रहे कांग्रेस की बात। आप ये देखो ये चीज को, ये तो है नहीं भाई, मतलब कहीं से वो उठाई और दे दी, इसका तो प्रबंध कराया जा। ये तो देखो एक चीज है, उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है चुनाव तो गठबंधन और भाजपा का है जी। हाँ मारा भी हुई है, अब मतलब यदि मतलब जब बीजेपी को जो कोई हरा होगा है तो कांग्रेस के, लेकिन उसे भी फिर जो है मतलब उसे वोट देंगे जो उसे मतलब जो है हमारी पार्टी ठीक है। आपका पहला मकसद ये है कि भाजपा को हराना है, भाजपा हराना, कांग्रेस दूसरे नंबर पे आपकी। हाँ जी हाँ जी, इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं जी। आप बताओ आप किसके साथ हो? राष्ट्रीय लोकदल के साथ जी। पहले किसके साथ थे? बीजेपी को दी थी वोट। अब क्या नाराजगी है? नाराजगी है, सुरेश राणा ने भी थोड़े टाइम पहले कहा था किसान की आय दोगुनी कर दी, 18,000 करोड़। इसका वादा होता है? अजी एक मिनट सुन लो, 2018 में इब तक 2 साल पहले 18,000 करोड़ का भुगतान था, हमने 35,000 करोड़ का भुगतान कर दिया, गन्ने का एक पैसा नहीं बचा 4 साल में, दोगुनी आय आप ही बता दो कैसे होगी, आप ही बता दो। वो तो जब सुरेश राणा आप एक जवाब दे दो कैसे बदगी, वही दावा कर रहे हैं ना हम, नहीं कर रहे ना भाई सरकार दावा कर रही है। कौन सी चीज है बाबू जी? तेजेंद्र निरवाल तो आते होंगे ना आपके बीच में विधायक, एक बात बता दो मुझे, ऐसी कौन सी चीज है बैंक में गिरती मारा पिसा अगले दिन दुना हो जा, या बता दो। तेजेंद्र निरवाल सांसद प्रदीप चौधरी, ये तो लड़ा था उनसे पूछो ना 2022 में, शक्ल तो भी जानते नहीं, लाते ही नहीं, शक्ल से भी जानते हो ना, तो तेजेंद्र निरवाल जानते ही नहीं। तो वोट कैसे दिया? वोट दे दिया बस, लहर जी थी सब बीजेपी गैल थे, प्रदीप इलेक्शन के बाद में एरिया में शिकल नहीं देखी, शिकल ध्यान नहीं है मैं प्रदीप की कसी है, वास्तव में झूठ नहीं, विकास भी नहीं कराया कोई गाँव, कोई नहीं जब विकास के बैठे बैठे करवा होगा नहीं गाँव नहीं, नहीं, नहीं तो कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं प्रदीप की, उससे कोई विकास नहीं, और विधायक जी के कोई विकास नहीं, आज इक्का दुक्का छोटा मोटा नहीं, गली में करवाया अभी विधायक जी ने, सांसद जी ने, विधायक जी ने, विधायक जी ने करवाया अभी वो भी जी। भाई साहब अब आप बताओ। हाँ जी जी, आए तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा फार्मूला है हमारा बैंक में गिरते हो अगले दिन दुना हो जाएगा? अब आप अपने विधायक सांसद से पूछो ना, 2022 में दोगुनी करने की बात तो पूछ रहा, हम दे रहे नहीं वोट इन देने का, उन्होंने आज तक कुछ करा नहीं, पेट्रोल के दाम 4-5 महीने में 1500-1600 रुपए बढ़ गए, गन्ने का 4-5 साल में 10 रुपए भी नहीं बढ़े, डीजल 90 बजा लिया 65 पते 4-5 महीने में ही, खाद वो दवाई इतनी महंगी होगी जिसका कोई ठीक नहीं, गैस सिलेंडर फ्री बनते थे, सब्सिडी आवा थी सब हटा दी, 850 रुपए का सिलेंडर कर दिया, क्या फायदा हुआ? सब्सिडी भी हमें तो दे थे पैसे, वही मारी आवा थी, वो कहते सब्सिडी दे दी, सब्सिडी जोड़ रहे इब खाद पे कह रहे, खाद को डाई के कट्टे को 2500 रुपए का दिया करेंगे, फिर सब्सिडी आया करेगी, किसी का बहुत 1000 रुपए का डाई ले जाता हो वो जड़ी टाल होगी, 2500 का बहुत नहीं होने का डाई आने की नहीं, तो इस बार बदलाव करोगे? हाँ जी बदलाव करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे। राष्ट्रीय लोकदल से क्या उम्मीदें हैं? मतलब अगर वो सरकार में जी, जहाँ भी जब भी हमें आपत्ति पड़ी हमारे साथ रहा, जब भी हम फंसे चाहे किसी भी सरकार में फंसे वो हमारे साथ आने का खड़ा हो गया, आंदोलन तो हम उस तरह नाराज थे, हम उस तरह नाराज बीच बीच में होते रहे, घर में सब की नाराजगी चले परिवार में, पर फिर भी वही बात थी अपना हमारा छा मगे, जब भी हमें आपत्ति पड़ी मेरे साथ आओ, हम उसी के साथ रहेंगे, हम बहुत बार समझे इस बात को, नाराजगी नहीं बताओगे क्या? नाराजगी तो ये तो घर में छोटी मोटी चलती रहे, तो ये कोई नाराजगी नहीं होती। आप भी नाराज थे भाई साहब राष्ट्रीय लोकदल से? आप ना, हमने वोट भाजपा को दे दिया नाराज लोकदल से? हाँ भाजपा को वोट दे दी थी, गंडा पड़ाव थे जी जी जी, बताओ हम जो है 4.5 से गन्ने के भाव में मर गए, वहाँ पाँख हट गए हमारे प्रसन्न चौधरी के दफ्तर पे, वहाँ आया था यू गन्ना मंत्री मारा, नू कहता 450 गन्ने का भाव देंगे, मैं कहा मौज आ जाएगी, एक रफा नहीं मिला, 20% पेमेंट हुआ आप लोग का, ये जो है 85% बता रहे, ये भी योगी का एक वो आता कहला भाई मेरा तो परिवार है नहीं, परिवार यू ही है, जो उसका परिवार होता तो उसे पता लगता परिवार में दिक्कत कितनी है, वो तो जो है अपना झोड़ा टांगा का और बम भोले बोल लगा, उसे दिक्कत कुछ नहीं, फंस गए थे 450 के भाव में बीजेपी को देंगे, तो भाई जो है जयंत को देंगे वोट,
इवकेंद्र के बगल बिल्कुल भी किसी का आवे कैंडिडेट कर बंधन का उसे ही देंगे। नाराजगी कब से है आपकी? नाराजगी तो इब बनी जी, इबते ना पेमेंट हुआ ना 450 का भाव मिला। मतलब ये जो ये तो 2017 का वादा था ना जी, 2017 से कोई तो 5 साल होने वाले हैं। हाँ तो उसमें तो पाँच कट के मारे इसकी रैली में जाते जाते इसमें फिर आपने वोट दे दिया। हाँ हाँ तो धाम का भाई के बिछड़ गया दे देगा नु कह रहा था 450 का गन्ने का भाव देगी बीजेपी, यहाँ वो पहले वाला भी नहीं मिल रहा। कम दम 10 रुपए जेब में बन तो जाते नु कहते वह चोर नहीं रहे, वही बात है जेब में चोर नहीं रही चोर के रखा वे चोर चौके थे कम दम हमारी भी जेब में रहते और उनकी भी रहते वे भी जो है भांग रहे ड्रेब जा बोतल का उनका भी पैसा नहीं मिल रहा तो दिक्कत तो बना दी सरकार। गुंडागर्दी का खात्मा तो आप मान रहे हो गुंडागर्दी का खात्मा वो बता तो राजी सरकार नहीं बदमाशों को योगी सरकार कह रहे हैं तो जेल में या पर नहीं जेल में कहाँ है तो नहीं घूम रहे जो उनसे गाँव घुमा गाँव में मेरे जितने सारे घूम रहे नहीं कहाँ गए एक भी निगाह जेल में एक निगाह सब। राकेश टिकैत जी आंदोलन कर रहे हैं उसका कितना प्रभाव है? प्रभाव जान लगा देंगे उसके ऊपर पूरी। 5 सितंबर को महापंचायत है मुजफ्फरनगर में मनगो जन सैलाब उमड़ पड़ेगा एक डब्दे पाँव धरने की जगह नहीं रहे भाइयों और बहनों में फंस गए। दिक्कत इस बात की रही भाइयों और बहनों में फंस गए भाई बतैर था और बाण बतैर था मार लिया जान बिल्कुल कति इन फंसे ये वो रविनाथ टैगोर बने रहा बाल और डैडी बढ़ा रहा भला बाल डैडी बढ़ाए तो रविनाथ टैगोर बन जाएगा। सरदार जी आप बताओ गांव इसी गांव से हो आप भी? हाँ जी। तो क्या करोगे सरदार जी इस बार? देखो जी ऐसा है हम भाजपा के आदमी है। अच्छा जी। भाजपा के साथ रहे दूत है जी, पर इन्हें ऐसे काम कर दिए कुछ प्रधानमंत्री ने जी, जैसे वो कृषि कानून लिए इतने लोग वहाँ आंदोलन में पड़े जी, महिलाएं भी है बच्चे भी है बूढ़े भी है बीमार भी हो वहाँ जी, तो इन्हें कोई सुनवाई कर लेता थोड़ा बहुत समाधान कर लेता तो कुछ कमती बत्ती कर लेता। तो आप केंद्र सरकार से नाराज है? राज्य सरकार से खुश है? नहीं राज्य सरकार तो काम तो भाजपा ने काम करे ऐसी बात नहीं गुंडा गर्दी भी हटाई। भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं? दूर तो है जी, अब भी भाजपा में ही हो? नहीं अब भाजपा में नहीं रहेगा जी, अब जाऊंगा जयंत की गैल। ठीक जी क्यों ये तो बिजार ऐसे हो गए जी, इन्हें तम भी कहेगा इन्हें पकड़वा दो इनका कुछ वो करवा दो। नहीं देखो ऐसे सांड छोड़ ये जो सांड है ये आप लोगों के बीच से ही तो गए या सरकार छोड़ नहीं छोटे तो हमने तम नहीं जी छोटे तो हम नहीं, पर इनका इलाज तो होना चाहिए जी कुछ छोटा है ना जी। हाँ जी 2 साल में भेज दिया करो जी, हमने तो कोई छोटा नहीं हमने तो छोटा नहीं कोई गौशाला वाले हम छोड़ गए वहाँ 2000 ही कटवावे रसीद वे ताड़ा खोल दे रात को वे तड़की फेरी पावे तो बताओ वहाँ छोड़ गएगा फायदा क्यों हुआ? तो आप पहले नाराज हैं भाजपा से? हाँ जी नाराज न हो जी, इतने लोग बताओ आंदोलन कर रहे हैं कुछ भी नहीं सुन रहे तो उसकी ठेस पहुंच जाए जी, मानो नहीं मानो एक पेमेंट नहीं किसानों का आता जी गन्ने का, गन्ने की यहाँ खेती हो और कोई खेती होती नहीं, नून मिर्च भी सही तरीके से आता नहीं, छोटे छोटे किसान है। ठीक बदलाव है जी, बदलाव बदलाव करेंगे जी जी। खराब ना करा हाँ जी, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप बता दो। हम तो लोकदल को वोट देंगे। पहले किसको दिया था? लोकदल को दिया था, इन्होंने करोड़ तो कभी दी नहीं, एक बार दी थी कम सिंह को बिजली घर में ना था, ये तो तला उतरते ही नहीं। अच्छा लोकसभा चुनाव में दिया था आपने भारतीय जनता पार्टी को? हाँ एक बार दिया जीवन में 2014 में। नहीं 14 में था, 14 में। हाँ 2014 उसके बाद फिर लोकदल के साथ हो? पहले तो ये लोकदल के चले गए। सरकार के कार्यों से कितने खुश हो? बिल्कुल खत्म है सरकार, चली रही है तो जुगाड़ में। जुगाड़ सका 325 है इस बार 350 सीटों का दावा कर आप गुंडा कर देते हैं। देखें हमने क्या लिया है पर्चे कोस कोस लिए मलंगपना कर दिया, दो दो इनके जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहे, इस तो बड़ा गुंडा कर दी कहाँ होगी और तम कहो गुंडे खत्म कर दिए गुंडे हो रहे, ये खुद ही पुलिस भी गुंडी कर दी उन्होंने कर नहीं दी। तो इस बार लोकदल के साथ हो? गैल बिल्कुल लड़का है लोकदल को। लोकदल से क्या उम्मीद है? पूरी उम्मीद है जयंत चौधरी के। तो ये शामली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाजू है, यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। तो प्रदेश सरकार के जो 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने हो चुका है उसके बारे में हमने लोगों से राय ली कि कितने खुश हैं, वहीं जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें इन लोगों की क्या राय है उसके बारे में भी जानकारी हासिल की, और किसान आंदोलन जो लगभग 9 महीने से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली बॉर्डर पर अलग अलग हिस्सों में चल रहा है उसका भी कितना प्रभाव इस क्षेत्र में, यह भी लोगों से जानने का प्रयास किया। ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ना इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल है वो गन्ना मानी जाती है और गन्ना बेल्ट के नाम से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र जाना जाता है। गन्ना